हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल केमिस्ट्री क्लासेस। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले हाफ लाइफ का मीनिंग समझ लेते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है। देखो, हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी, ठीक है। मतलब आपकी अगर आधी जिंदगी निकल गई, ठीक है, तो हाफ लाइफ तो निकल चुकी, हाफ लाइफ बच रही है। कुछ ऐसा ही रिएक्शंस के टर्म्स में अगर समझें तो किसी रिएक्शन का स्टार्टिंग किससे होता है? रिएक्टेंट से, ठीक है। सपोज आपने कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया होगा, अब अगर उसमें से हाफ जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट के अंदर, तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग को आप बोलोगे हाफ लाइफ। मतलब क्या है कि वो टाइमिंग जिसपे आपका आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। सपोज मैंने क्या किया था, 50 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट लिया होगा, ठीक है, तो उसमें से अगर 25 ग्राम रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो उसमें जितना समय लगेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, सभी के लिए हमको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना होता है। ये जो टॉपिक है, ठीक है, क्लास 12th से लेके, ठीक है, एमएससी तक के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, द टाइम, ठीक है, ऑफ द रिएक्शन व्हेन द हाफ क्वांटिटी और हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब आपका आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हमें सपोज करते हैं हमारे पास में एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, उसमें जो हमारा रिएक्टेंट है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे प्रोडक्ट पी के अंदर। अभी हम एक काम करते हैं, इनिशियली जब टाइम जीरो था तब मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन रहा होगा ए नॉट, प्रोडक्ट बना नहीं है तो उसका कंसंट्रेशन हो गया जीरो, फाइन। अभी मैं ले रही हूँ हाफ लाइफ। देखो, हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब वो टाइमिंग जिसके ऊपर मेरा जो रिएक्टेंट है वो आधा कंज्यूम हो गया। इनिशियली ए नॉट था, इसमें से अगर हाफ निकल जाए तो बचेगा कितना, ए नॉट बाई टू, ठीक है, इतना बचेगा। सपोज प्रोडक्ट का कुछ एक्स अमाउंट मेरा यहाँ पे बन गया होगा, ठीक है, एक्स मोल पर लीटर ये बन गया है। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि भाई इनिशियली तो था ए नॉट और टी हाफ पे हमारा जो रिएक्टेंट था वो कितना बच गया, हाफ कंज्यूम हुआ है तो बचेगा भी कितना, हाफ, ठीक है। अभी देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब आपने डेरिवेशन किया था तो वहां से आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या मिला था, आपको मिला था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास में इक्वेशन आई थी ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी वॉज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से डेटा हम इसके के अंदर पुट करना स्टार्ट करते हैं। इनिशियली तो कंसंट्रेशन मेरा कितना है, इनिशियली मेरा जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो है ए नॉट। अच्छा, जब हाफ लाइफ निकल गया टी हाफ पे मेरा जो रिएक्टेंट है वो कितना बच गया, ए नॉट बाय टू, ठीक है, इज इक्वल टू के को एज सच रखते हैं, टाइमिंग कौन सा लिया हमने, हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ, ठीक है, टी हाफ। अभी देखो ए नॉट में से ए नॉट बाई टू गया तो कितना बचेगा, ए नॉट बाई टू, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू के टी हाफ, ठीक है। तो अगर मैं टी हाफ को अकेले छोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई टू के। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब एक चीज यहाँ से आप देखो, टू कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से मैं एक चीज लिख सकती हूँ कि भाई जो मेरा टी हाफ है, हाफ लाइफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखोगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्शन का हाफ लाइफ है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट पुट होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।